अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ लॉन्ड्री से। आज जो है ना, मैं वॉश कर रही हूँ घर के सारे जो पर्दे हैं ना, वो तो मैं इसको जो है ना वॉश करने के लिए लेकर जा रही हूँ। हेलो नन्नी। और यहाँ एक ऑलरेडी एक राउंड है जिसमें अभी 28 मिनट्स और उसके बाद ये डालूँगी। और ये जो राउंड है ना, ये थर्ड राउंड है। दो मैं ऑलरेडी वॉश कर चुकी हूँ, ये तीसरा है एंड दिस इज़ द फोर्थ वन। ये दो जो है ना मैं ऑलरेडी वॉश कर चुकी हूँ, अभी मुझे बस यहाँ हैंग करना है इस साइड पर। अभी जो है मैंने इसको हैंग किया है और बहुत मुश्किल से, क्योंकि मुझे जो है ना इसके ऊपर चढ़ के, सोफ़े के ऊपर चढ़ के मुझे हैंग करना था। इसमें जो ना बहुत वज़न होता है पर्दे में, क्योंकि कपड़ा जो है ना इसका थोड़ा सा मटेरियल हैवी है। तो मैं जो है ना इसके ऊपर चढ़ के और ये जो तकिया है ना इसके ऊपर पाँव रख के विंडो पर रखे, फिर मैं जाके ऊपर हैंग किया इसको। बहुत मुश्किल था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। इस तरफ से जो है ना वो विंडो ओपन है, इसलिए थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा आ रही है, तो थोड़ा सा फ्रेश एयर यू नो अंदर आने के लिए है। और यहाँ जो है ये इसलिए खुला हुआ है क्योंकि यहाँ मेरी कैट अंडर बैठी हुई है और सोफ़े के पीछे, सो इसलिए मैंने इसको पर्दे को बंद नहीं किया, वो यहीं कहिए। तो इसको अब सेट कर लूँ एंड इट इज़ डन अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो पर्दा है जो मैंने अभी मशीन से निकालना, अब इसका जो हैंग करना जो ना मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत हाइट है और पर्दा ख़ुद जो है ना इसमें इतना वज़न है ना, इतना वज़न इसका, कपड़ा बहुत मोटा है, तो इसलिए मैं इसको हैंग नहीं करूँगी। मेरे हस्बैंड से कह दूँगी कि वो हैंग कर दे। अब इसको मैं यहीं रख देती हूँ। पर्दों का ये लास्ट पर्दा है। अभी मैं अपने रूम की वॉश नहीं कर रही, सिर्फ बाहर के लाउंज की है, सो ये लास्ट है। मैं अभी बनाने लगी हूँ बनाना शेक। मेरा मूड था कि मैं कॉफ़ी ठंडी पी लूँ या फिर बनाना शेक, तो मैंने सोचा था कि चलो ऑलरेडी मेरे पास जो है ना फ्रीज्ड बनाना है, तो अभी मेरे पास ये पड़े हुए हैं, तो सोचा था कि चलो मैं कुछ हेल्दी पी लूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कॉफ़ी से बेहतर है कि मैं बनाना शेक ही पी लूँ। तो बस वो अभी वो मैं बनाने लगी हूँ। ये बर्फ़ है, दूसरा ये पीस है, आई गेस दो काफ़ी है, इससे ज़्यादा ही कुछ मीठा हो जाएगा। ये हाफ जो है ना ये आधा डाल देती हूँ, ना काफ़ी है। अब इसको मैं दोबारा फ्रीज करती हूँ, इसको मैं फ्रीज़र में वापस रख देती हूँ। Thank you.
शेक रेडी हो गया मेरा। सुकून से मैं जाके लाउंज में पीती हूँ सुकून से बैठ के, फिर इसका मज़ा आएगा अच्छी तरीके से। ये रही लूलू और ये अब मैं जाके सुकून से ये पीती हूँ मिल्क शेक। इट इज़ द बेस्ट टाइम कि सुकून से बैठ के और कोई अच्छा सा और कुछ अच्छा सा यू नो ठंडा सा कॉफ़ी या फिर शेक इस तरह की चीज़ें मैं इस टाइम में पीती हूँ जब मुझे ब्रेक मिलती है कामों से। इग्नोर इस सामान को जो है ना मेरी कैट्स के सामान इग्नोर कर दें, ऐसा लगता है कि कचरा है लेकिन कचरा नहीं है, मेरे कैट्स के खिलौने हैं क्योंकि इनको जो है ना खिलौने पसंद नहीं है, इनको इस तरह के जो डब्बे होते हैं ना बॉक्सेस उनको वो पसंद है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये कचरा नहीं है। और यहाँ जो मैं अपना आईपैड को लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने सोचा जब तक मैं अपना शेक पूरा करूँ ना उसके साथ तो थोड़ी सी रीडिंग हो जाए। मैं अभी पढ़ रही हूँ फोर्थ विंग, ये मैं री रीड कर रही हूँ, पहले मैं पढ़ चुकी हूँ उसको दोनों पार्ट, अभी जो है मैंने सोचा था कि इसको दोबारा पढ़ लूँ, बहुत अच्छी बुक है तो मैं इसको जो है ना री रीड कर रही हूँ। अभी जो है मैं पेज नंबर 328 पे हूँ, सो बस ये कंप्लीट कर रही हूँ बुक को, कंप्लीट तो नहीं होगी अभी, खैर काफ़ी यू नो लिख ले यहाँ साइड से काफ़ी अभी टाइम है, लेकिन थोड़ी सी रीडिंग करती हूँ उसके साथ अपना शेक भी पूरा करती हूँ। और यहाँ हुआ था शाम का टाइम और ये पार्सल अभी पहुँचा है, तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे मैं भी शाम की चाय पी रही थी लेकिन जैसे ऑर्डर आया था ना तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसी को ओपन करके देखती हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी। और बाद में ये जो ऑर्डर ना काफ़ी लेट आया, मैं 15 या 20 दिन हो गए इसको मैंने ऑर्डर दिया था और आज आया है। एनीवे तो फिर जो है ना मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं इसको ओपन करके देखूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी। इस ब्रांड का जिंक का ब्रांड है जहाँ से ये मैंने ऑर्डर किया है और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी और मैंने कभी भी ऑर्डर नहीं किया, मैंने मुझे पता था इसका कपड़ा कैसा होगा, सो मैंने सोचा था कि चलो मैं पहले खोल के देखूँ तो कैसा है। वैसे मुझे इसका दुपट्टा समझो मैंने इस दुपट्टे की वजह से मैंने सूट लिया है, इसका दुपट्टा मुझे बहुत बहुत पसंद आया था, इसका पता नहीं मीन्स कि इसकी डिज़ाइन उसका कलर का जो कॉम्बिनेशन मुझे बहुत को दिल क्यों छू गया तो बस मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने से ये सूट ऑर्डर किया था। तो बस इस दुपट्टे को देख के मैंने ऑर्डर दे दिया था। मेरे साथ ऐसा ही होता है जब मैं कोई चीज़ देखती हूँ सिर्फ एक रीज़न की वजह से मैं बस ऑर्डर दे देती हूँ, जैसे कि ये सूट मुझे पसंद आया सिर्फ दुपट्टे की वजह से तो मैंने ले लिया है क्योंकि मुझे दुपट्टा चाहिए था। एनीवे तो बस ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये इसका ट्राउज़र है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दुपट्टा दिखाया था, अभी इसका ट्राउज़र है। हालांकि मैंने ऑनलाइन इसकी डिटेलिंग नहीं देखी थी ना ही ट्राउज़र की ना ही शर्ट की, आप लोगों के साथ मैं अभी भी देख रही हूँ। तो इसका ट्राउज़र का जो डिज़ाइन है वो भी बहुत खूबसूरत है, उसके साथ भी बहुत बहुत परफेक्ट है। जिस तरह मैं पहनती हूँ वैसे मैं लेती हूँ मीडियम साइज़, कोई भी ब्रांड लेती हूँ ना मैं उसका मीडियम ही लेती हूँ, वही मुझ पर फिट आता है। लास्ट को ज़्यादा बड़ा हो जाता है स्मॉल है ना, उसके ट्राउज़र शर्ट की फिटिंग भी नो सही नहीं रहते, जैसे मैं मीडियम लेती हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो आप लोगों को मैं दिखाई इसका साइज मीडियम है, इसका गला इस टाइप का बना हुआ है तो बिल्कुल परफेक्ट, जैसे मैं खुद पहनती हूँ ना उसी टाइप के, मुझे वो बड़े से गोल गले जो होते हैं ना वो बिल्कुल पसंद नहीं, इस तरह के बंद वाले मुझे अच्छे लगते हैं। और इसके साथ ये है दामन में, आई गेस ये इसका कोई लेस तो नहीं है लेकिन शायद इसी कपड़े का कुछ क्या कहते हैं कट करके उसको डिज़ाइन बनाया था। और इसका कपड़ा जो है ना बहुत अच्छा है, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने कुछ सुना था फ्रेंड्स से कि वो कह रहे थे कि इसका जो कपड़ा है ना कुछ रेशमी टाइप का जो कपड़ा होता है ना उसी टाइप का, लेकिन जब मैंने लिया है ये अभी मैं आप लोग दिखा रही हूँ ना इसका कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट, जिस तरह की सिंपल सालान होती है ना उसी तरह से। सब लोगों को मैंने बताया था ना मैंने कभी इसके ब्रांड का नहीं कपड़ा लिया है नहीं कोई शर्ट ली है, ये फर्स्ट टाइम मैं उसके कपड़े ले रही हूँ ना, तो इसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि माशाल्लाह कपड़ा तो बहुत अच्छा है और
सिंपल से जैसे दूसरे ब्रांड होते हैं ना उसी टाइप का है, तो मुझे अच्छा लगा था। उसके साथ ही आप लोगों को फुल स्लीव्स दिखा रही हूँ, उसके स्लीव्स लंबे हैं और मुझे लंबे स्लीव्स अच्छे लगते हैं जो फुल यू नो फुल स्लीव्स होते हैं, हाफ स्लीव्स या थ्री क्वार्टर वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मुझे। उसके साथ इसमें बटन भी है तो यू नो वजू करने के लिए तो बहुत आसानी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सूट। आप लोगों को भी दिखा रही हूँ और आप लोग भी देख रहे हैं कि इसका जो दुपट्टा है ना उसकी शर्ट और ट्राउजर थोड़ा सा डिफरेंट है, पर दुपट्टा तो बहुत ही प्यारा है। और इसके साथ जो है ना ये भी अभी पार्सल आया है, ये मैंने ऑर्डर किया था हैबिट से। ये दोनों जो है ना क्या कहते हैं जो आम तकिया होता है ना, तकिया जो होता है ना बेड का, वो मैंने लिया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये भी आज रिसीव होगा, लेकिन ये भी आज रिसीव हुआ है। ये इसमें रेप था तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पतला हो गया या पता नहीं श्रिंक हो गया इस तरह से कुछ पैकिंग की वजह से। और आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और पूरे व्लॉग में जो है ना एक मोटर की आवाज़ जो है ना एक्स्ट्रा लग रही थी, जैसे कि म्यूजिक की बैकग्राउंड होता है ना वैसे ही था।